नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्राई साइकिल के बारे में। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कभी ना कभी ट्राई साइकिल ज़रूर खरीदता है, और ख़रीदे भी क्यों ना, क्योंकि ट्राई साइकिल के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं बच्चे के लिए। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड सोशल डेवलपमेंट, और फोर्थ इज़ फन एक्टिविटी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं ट्राई साइकिल खरीदने से होते हैं, इसीलिए मुझे लगता है शायद ही दुनिया में कोई पेरेंट होगा जो कि अपने बच्चे के लिए ट्राई साइकिल नहीं खरीदता है। और टॉय खरीदें ना खरीदें, लेकिन ट्राई साइकिल खरीदना एक मस्ट होता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ ट्राई साइकिल खरीदने की सही एज के बारे में, और सेकेंडली जब आप ट्राई साइकिल खरीदेंगे तो आपको प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना है, कि किस तरीके का ट्राई साइकिल हो, ताकि आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं ट्राई साइकिल पे उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम वैल्यू मिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो ट्राई साइकिल खरीदने की सही एज मुझे लगता है 18 to 24 months की होती है। हर बच्चे के लिए एज थोड़ी वेरी हो सकती है, लेकिन मोस्टली बच्चे 18 to 24 months के बीच में ट्राई साइकिल चलाना बढ़िया से स्टार्ट कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 18 मंथ्स के आसपास जो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो ट्राई साइकिल को संभालने के लिए इनफ होती है। बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो स्मॉल इंस्ट्रक्शंस जो कि ट्राई साइकिल चलाने के लिए चाहिए, जैसे कि सीट पे बैठ जाओ, सीट से उतर जाओ, घंटी बजाओ, साइड ले लो, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिक, ये बच्चा समझने लग जाता है। तो 18 to 24 months में आपको बच्चे के लिए ट्राई साइकिल ढूंढने की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ट्राई साइकिल खरीदते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट चाहे कम हो, ज़्यादा हो या मीडियम रेंज का हो, लेकिन तीन फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर वन है सेफ्टी, नंबर टू है कि जिन चीज़ों से वो साइकिल बनी है वो मटेरियल बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और थर्ड है कि उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट 3-4 साल बच्चा उस ट्राई साइकिल को यूज़ कर सके। इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब विवान 18 मंथ्स का हुआ तो मैंने उसके लिए ट्राई साइकिल की शॉपिंग स्टार्ट करी, और आप मानोगे नहीं कि मुझे परफेक्ट ट्राई साइकिल ढूंढने में 2 महीने का समय लगा। और जब विवान 20 मंथ्स का था तो ये साइकिल मुझे मिली, मैंने इसको ऑर्डर किया और फाइनली हमारे घर आ गई, और आज हमें इसे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम हो चुका है, और हम लोग और विवान और हम सभी लोग बहुत हैप्पी हैं इसके फीचर्स से। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ जो कि अब हमारा फैमिली मेंबर बन चुका है, वो है लवलैप गैलेक्सी किड्स ट्राई साइकिल। तो ये है वो ट्राई साइकिल, मुझे येलो कलर पसंद आया तो मैंने येलो में मंगाया, आप दूसरे भी कलर्स मंगा सकते हैं, सारे ही कलर्स बहुत ब्राइट हैं, दिल को खुश कर देने वाले कलर्स हैं। ये ट्राई साइकिल 2 से 5 साल का बच्चा यूज़ कर सकता है, लेकिन विवान ने इसको 20 months पे ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसका जो MRP है वो 7695 है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन साइट्स में जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा 30 to 40% का। बात करें अगर इसकी असेंबली की तो बहुत ही क्विक है, बहुत ही इजी इंस्ट्रक्शंस इसके साथ लिखे हुए आते हैं जो कि आपको इसे असेंबल करने में हेल्प करेंगे। इसका सबसे बेस्ट फीचर है पैरेंट कंट्रोल, जो पीछे आप हैंडल बार देख सकते हैं, ये पैरेंट कंट्रोल है। जब तक कि बच्चा खुद से साइकिलिंग ना करे, खुद से इसको नेविगेट ना करे, तब तक पैरेंट उस हैंडल को यूज़ करके इधर उधर, लेफ्ट राइट, फ्रंट, कैसे भी नेविगेट कर सकता है। ये बहुत इजी रहता है और बहुत ही सफिशिएंट लेंथ पे है, जिससे कि आपको एबनॉर्मली झुकना नहीं पड़ता, आपके पोस्चर में भी कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो पैरेंट कंट्रोल हैंडल मेरा बेस्ट पार्ट है इसका, मेरा फेवरेट फीचर है। सेकंड है एडजस्टेबल कैनोपी, अगर कभी बहुत धूप है तो आप कैनोपी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि एक सेफ्टी हैंडल बार है, जब बच्चा छोटा है तो आप इसे लगा के रख सकते हैं, ताकि बच्चा अपनी सीट में वहीं पे रहे और आगे की तरफ ना गिरे, लेकिन जब बच्चा खुद को संभालने लायक हो जाए तो आप इस सेफ्टी हैंडल बार को निकाल भी सकते हैं। अगला फीचर जो है कि आगे भी एक स्टोरेज बास्केट है, पीछे भी एक स्टोरेज बास्केट है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ 1 या 1.5 घंटे के लिए भी वॉक पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो आप उसके साथ पानी या दूसरे खाने की चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स या बिस्किट्स वगैरह लेके जाते हैं, तो स्टोरेज बास्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो व्हील्स हैं इसके, वो हाई ग्रेड रबड़ से बने हुए हैं, जो कि एंटी स्किड है। साथ ही साथ जो पेडल्स हैं वो भी एंटी स्किड हैं। साथ ही यहाँ पे आपको देख सकते हो, आप साइड में एक फुट रेस्ट दिया हुआ है, तो जब बच्चा पेडलिंग नहीं करता तब तक वो फुट रेस्ट पे अपना फुट रख सकता है, और पेरेंट हैंडल के द्वारा उसे नेविगेट कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है।
तो इन्हीं सारे फीचर्स के कारण मुझे ये ट्राईसाइकिल अपने बच्चे के लिए बेस्ट लगा और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसके फीचर्स चेकआउट कर सकते हैं और उसे बाय भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरा तो फेवरेट बन चुका है एंड आई होप आप भी मेरे रिकमेंडेशन पे ख़रीदेंगे तो आपका भी फेवरेट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।